चाहते हैं कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाई दें। बाकी मुल्कों ने जिस तरह से आईपीएल में पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान भी आईपीएल का हिस्सा बने। के जो पाकिस्तान में फैंस हैं वो देख सके कि पीएसएल हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पोस्टल चल रहे हैं किंग कोहली के। आईपीएल में ये है कि उसमें बहुत ज्यादा पैसा यूज होता है। आईपीएल सुनते पैसा जहन में आता है, जहन में आता है। पीएसएल सुनते पैसा कम नहीं करनी चाहिए। अगर इंडिया की करेंसी में बात की जाए तो 19-20 करोड़ में जो है मैक्सिमम जो प्लेयर जो है इनका आईपीएल में जो है सोल्ड आउट होता है। तो आपको क्या लगता है? यही तो बात मैं कह रहा हूँ, देख रहा हूँ पैसा बहुत ज्यादा लगाते हैं, इतने इतने क्लासी प्लेयर्स को रखते हैं, तो ही मैच देखने का मजा आता है ना। जाहिर है जिसके पास पैसा है उसको। जय हिंद दोस्तों, फाइनली दोस्तों इंडिया में आईपीएल शुरू हो चुके हैं। दोस्तों 6-7 मैच हो चुके हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले इंडिया ने ऐसा इतिहास रच दिया है। इस खबर को सुन के जो है पाकिस्तान नहीं और देशों के भी होश उड़ जाएंगे। कंपनी ने यार मेरे अंदाजे से कोई 1200 करोड़ में खरीदा होगा, क्योंकि बड़ी लीग है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इतना होगा, वरना कम भी हो सकता है। लीग आपने बात की, बड़ी तो लीग है, बिल्कुल मानते हैं हम। इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया उसने, बहुत बड़ी लीग है, फिर भी 1200 करोड़ आप कह रहे हैं? हाँ मैं इतना कह रहा हूँ, मेरे अंदाजे से इतना होना चाहिए। आप बता रहे कितना होगा? मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जरा एक और बार सोच लें, 1200 करोड़ आप कह रहे हैं? बस इतनी होना चाहिए, ये थोड़ा ऊपर 1400 हो जाएगा या कम हो जाएगा, मेरे अंदाज इतना होगा। 1400 करोड़ वैसे बहुत ज्यादा अमाउंट होती है सर, ऐसा है ना? यार अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लीग भी तो देखें ना आप। लीग देखें तो सवाल, आपने कहा 1400 करोड़ पे फिक्स कर दे लोग। ट्विटर स्क्रॉल करता रहता हूं, इस बारे में काफी आता रहता है। मैंने देखा है कि आईपीएल तो मेरे ख्याल से इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी काफी ऊपर तक पहुंच गया। आपने सही कहा, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी अभी उसने रिसेंटली बीट कर दिया। सवाल आपसे ये कि आईपीएल की ऑप्शन जी बिल्कुल, और आईपीएल में पाकिस्तानियों जी बिल्कुल, लेकिन ये आपका ख्वाब पूरा नहीं होता? नहीं हो सकता, इंडिया वाले नहीं मानेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आपको अंदाजा है कि इंडिया का जो सबसे महंगा खिलाड़ी इस दफा बिका है वो कौन है, या कितने का बिका होगा, कोई गेस कर दे? मैक्सिमम डॉलर करोड़ बिकते हैं, करोड़ की बात कर लेते, कितने करोड़? मैक्सिमम 100 करोड़ तो होगा, हो सकता है। 18 करोड़ का जो है वो इंडियन रुपीस में सैम करन बिका। सैम करन 18 करोड़ का सबसे महंगा? नहीं हमें सैम करन का नहीं पता, हमारा तो फेवरेट विराट है। अच्छा। विराट के भी पता 16 है, वो तो रिटेंशन में थे, लेकिन अब वो इतना रहा नहीं। पाकिस्तानी एक प्लेयर का कितना एक होगा, सबसे महंगा प्लेयर कितना है? सबसे महंगा होगा 5 करोड़, क्योंकि 3-4 करोड़ में सबसे महंगा बिकता है। और जो 18 करोड़ में बता रहा हूँ मैं इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 50-50 plus crore में ऐसे ही है। 3 करोड़ कहाँ पे और 50 करोड़ कहाँ पे, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है जी जी। तो इसलिए प्लेयर्स का इंटरेस्ट आईपीएल में ज्यादा होता है, आईपीएल में ज्यादा होता है। अच्छा, क्योंकि उसमें खिलाड़ी जो है बेस्ट लीग। आधे दोस्तों आईपीएल भारत के अंदर जब होता है तो एक मेला सा लग जाता है। आधे लोगों के पास अपना खुद का समय होता है, आईपीएल देखने का अपना खुद एक माहौल होता है। दोस्तों हाल में आई इकोनॉमी के अनुसार भारत के अंदर आईपीएल बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। ट्री के लिहाज से भी देखा जाए उनके पास स्पॉन्सर ज्यादा, हमारे पास स्पॉन्सर कम है जी। असल में सबसे बड़ी बात है ना, अंबानी है उनके पास है, वो दुनिया के अमीर-तरीन लोगों में आता है, तो इस वजह से भी मेरे ख्याल में। लेकिन मेरा भी अंदाजा मैंने चलो गलत बता दिया, 10,000 करोड़ जो है ना कम से कम मुझे जो लगता था पहले। सर 50,000 करोड़ है उनकी आज ही रिपोर्ट आई है, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसमें बहुत बड़ी फुटबॉल टीम आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल, उनसे भी ज्यादा, उनको भी क्रॉस कर गए हैं। बाकी देखे ना इंडिया ने तरक्की भी तो काफ़ी ज़्यादा की है, पाकिस्तान से बहुत बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। हमारा इधर हमारे हालात देख लें आपके सामने है, पेट्रोल जिस तरह ऊपर जा रहा है या जो भी है, पाकिस्तान के जिस तरह हालात जा रहे हैं यार, ये तो बहुत लोअर लेवल की बात है ना हमारी। हम ये अभी तक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगे हुए हैं। वो जो कंट्री है वो अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है, तो हर बंदे की कोशिश है कि वो आईपीएल में खेले, और उन्होंने जितने भी उनके एम्बेसडर्स हैं वो उनके काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से उन्होंने इसमें कोशिश की है, तो इस वजह से उनके इतने ज़्यादा। जितना बड़ा उनका नाम होता जा रहा है आईपीएल का, आपके ख्याल में उनके पास जो प्लेयर्स खेलने आते हैं पूरी दुनिया से? और आईपीएल के होने से भारत के अंदर नई नई जॉब और नई नई मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बता दें आईपीएल की मार्केट वैल्यू जो है $1 बिलियन से भी अधिक है। दोस्तों बता दें अगर ऐसे एजुकेटेड लोग हों तो इंडिया और पाकिस्तान एंड अन्य देशों में कभी भी कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने। दोस्तों बता दें भारत में आईपीएल आने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, दुनिया भर में आईपीएल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और यही क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी इसको कंट्रोल कर और बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है इस चीज का। दोस्तों आने वाले समय में आईपीएल बहुत ज्यादा गेमों को पीछे छोड़ देगा, इंडिया के लिए यह बहुत बड़ी बात है। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है, आपको पता है 31 मार्च से, तो आपकी क्या एक्साइटमेंट है आईपीएल को लेकर?
जी बेहतरीन एक्साइटमेंट है मेरी इसके बारे में, जैसे पीएसएल को भरपूर दिल से देखा है, इंशाल्लाह आईपीएल को भी पूरे दिल से देखेंगे और आगे इंशाल्लाह हम केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वो बिग किंग और इसमें हमने ये पीएसएल में लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया, लोकल लोग जितवा दिया फिर आपने। हाँ जी जी, शुरू से उसके सपोर्ट कर रहे हैं, मसीह मसीह जीते हैं ये दो मैच, ये पिछले भी पीएसएल टाइटल जीत गए, दोनों टाइटल जीते हैं, बस शाहीन शाह अफरीदी जब आ गया ना इसमें तो वो ले गए मैच दोनों, इंशाल्लाह अगली बार भी पीएसएल में लाहौर कलंदर जीतेंगे, तीसरी दफा भी फिर आप लाहौर कलंदर को जिताने जा रहे हैं। हाँ जी, लाहौर कलंदर को जिताएंगे हम इंशाल्लाह और केकेआर इसमें जीतेगी आईपीएल में इंशाल्लाह। इस दफा आप केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजूहत नजर आती है कि यार आप केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी टीमें भी हैं, आरसीबी है, चेन्नई सुपर किंग है, दिल्ली कैपिटल। दोस्तों अगर आप आईपीएल देख रहे हो तो एक चैनल जो है फैंटेसी गुरु क्रिकेट करके, उस चैनल पे ध्यान रखिए, वो चूतिया काट रहा है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपका फेवरेट प्लेयर कौन है आईपीएल में, प्लीज कॉमेंट कीजिए।